All right. Hey guys, welcome back to the video. This is me, Yash, and today I'm going to talk about why people hate BDS in general. In general, why most Indians hate BDS. There are some points. In this video, may be or may not be funny. It could be funny for the people who like BDS, but it won't be funny for the people who don't. So yeah. All right. So I'd like to start this video by saying a quote by Mark Kent that people hate what they don't understand. In this video, ये बहुत ही ज़्यादा apply हो रहा है. कुछ पॉइंट है. सो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल एक नई प्रथा शुरू हुई है, जैसे कि इन नमूनों को सुनो क्या बोल रहे हैं. सुनो आंडू, अरे ओडिया में अनम दिया, इंडिया जी आंडू में आ गया. यही होता है अगर बचपन में पढ़ाई लिखाई ना करो तो ऐसी बवासीर बातें अक्सर मुंह से निकल जाती हैं. और देखो ये भी है, तो आप ही बता दो ये लड़का है लड़की है अदर से क्या कहती है. अरे भाई ये सब कुछ है, कुल मिला के 7 लोगों का ग्रुप है जो गाना गाते हैं, जिसमें ये चिकना, एक और चिकना, अरे ये नीले बाल वाला चिकना, अबे सब के सब तो चिकने ही है इसके अंदर. Shut the fuck up. Stop being a fucking cunt. काश पढ़ लिया होता इन लोगों ने. अब ये लोग ऐसे क्यों हैं और ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे पास इसके लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं. सुनो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू से अबाउट कल्चर एंड डाइवर्सिटी, एक बहुत ही बड़ा बढ़िया टर्म है ज़ेनोफोबिया. पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ फॉरेन कल्चर्स इज बेसिकली व्हाट ज़ेनोफोबिया इज, एंड इनके अंदर भरा हुआ है ब्रो. बेसिकली इनके पास जो एजुकेशन है वो इन लोग को कम्प्लीटली पता नहीं पाई है कि जो और भी चीज़ें हैं बाहर, जो तुम इंडिया में देखते हो, तुम अपने बॉलीवुड में देखते हो, उसके बाहर भी एक दुनिया है बेसिकली. सो जैसे कि तुम लोग अगर बहुत ही टाइम तक एक छोटे से सर्कल में रहोगे, उस सर्कल के अलावा तुमने कभी कुछ बाहर देखा नहीं है, तो बेसिकली वो चीज सी आउटसाइड द सर्कल तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा, जो कि ऑब्वियस ही बात है. जैसे कि तुम अब बहुत टाइम से इंडिया में हो, इंडिया में हो अपने बेसिकली जगह, तुम बॉलीवुड जानते हो, तुम बॉलीवुड के बाहर तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं है. तो बेसिकली जो बॉलीवुड तो सबसे बड़ा दुश्मन है भाई. बॉलीवुड प्लेज एन रोल ऑफ शोइंग दैट वाइट पीपल एंड एशियन पीपल ये सब हमेशा तुम्हारे नीचे ही रहेंगे, ये सब बहुत ही खराब वैल्यूज दिखाता है. वाइट बैकग्राउंड डांसर हमेशा पीछे नाच रहे होंगे, वाइट चिक्स हमेशा सेक्स के पीछे पागल रहते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए बॉलीवुड का सबसे बड़ा हाथ है ब्रो. और बॉलीवुड सबसे चूतिया चीज़ है, मैं तुम्हें बता दूँ, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे. लाइन किसी बहुत ही सही इंसान ने गई थी, एंड मैं भी बताता हूँ, पीपल जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक बाहर के बारे में जानेंगे नहीं, उन्हें बाहर की कल्चरल आइडियाज से हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, एंड दिस इज हाउ इट कोरिलेट्स विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. अब देखो ये दोनों कैसे ज़ेनोफोबिया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कैसे किसी आदमी का दिमाग खराब कर सकते हैं. सुनो, बेसिकली व्हाट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग एकेडमिक्स एंड मीडिया डिस्कशन ऑफ मैस्कुलिनिटी टू रिफर अ सर्टेन कल्चरल नॉर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद हार्म टू सोसाइटी एंड मेन देमसेल्व्स. मतलब हिंदी में बताता हूँ, ये तो मैंने गूगल से बताया तुम्हें, अब मैं तुम्हें हिंदी में बताऊँ इसका मतलब क्या है. जो मर्दानगी होती है वो कुछ सर्टेन नॉर्म्स में ही है. बियर्ड बढ़ा लो, तुम्हें सारा कामकाज देखना है, बहुत ही पुराने पेट्रियार्की के सपोर्टर्स के हिसाब से जो मैस्कुलिनिटी है दैट इज़ बेसिकली टॉक्सिक. सो थस द टर्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. अब अगर तुम किसी को बोलते हो सुनो उसकी दाढ़ी भी नहीं आती तो छक्का है, और मैं क्या बताऊँ काजल लगाता है ये वो, अगर तुम देख लो लोग क्या क्या किस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि ये क्लब भाई मैं बहुत बदसूरत हूँ पर कभी इनके जैसा लिपस्टिक नहीं लगाया, तो भाई जैसे है वैसे ही रहेंगे. भाई तू चूतिया है, तू चूतिया ही रहेगा. जहाँ भी लॉन्डे लिपस्टिक और फाउंडेशन लगाएंगे तो हर बार कहेंगे Alright, that's it. I'm calling you out, Rocky Minati. You are a homophobic person. You are mentally sick because talking about people who put on makeup and lipstick, either they are men or women, it's their choice totally and completely whatever they want to do. Who the fuck are you to judge them? You do you, my guy. मैंने कहीं सुना है and it's the best thing. तुमको जो करना है करो, but don't hate anybody else. Hate is a very big word, I must say. क्योंकि hate is not liking something on a personal level. What is it? Hate is a very strong feeling of not liking something or somebody. मतलब hate तो personal level की चीज़ हो गई यार. तुमने कभी उन्हें देखा नहीं, तुम सिर्फ views के लिए उन्हें क्या क्या बोल रहे हो. और आर्मीज में तुम्हें बोलना चाहूँगा कि तुम लोग BDS को डिफेंड करने इन लोग जैसे जो भी वीडियोज़ देखने लगते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, फिर वो अपना कंटेंट चेंज कर देते हैं. मतलब कि पीपल हु डोंट लाइक BDS एक्चुअली डोंट लाइक BDS, दे सब्सक्राइब टू दीज गाइज बिकॉज इन्हें तो मतलब भी नहीं है उनसे, ये बस व्यूज़ के लिए उन्हें रोज कर रहे हैं और तुम उन्हें डिफेंड करके उनके चैनल को व्यूज़ दे रहे हो. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, मैं तुम्हें बेसिक मोनेटाइजेशन पॉलिसी बताता हूँ वीडियो की.
वीडियो को अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यूट्यूब की बेसिक डिमांड्स होती हैं 4000 वॉच आवर्स। और मैं सिर्फ यूट्यूब बता रहा हूँ, मैं ये पर्सनल लाइफ में कई लोग मैं बाहर बोलते नहीं मिली कि आई हेट बीटीएस, ये इनका यही करोना है। ठीक है, समझो मेरी बात। दिस फील्स अ लॉट लाइक हेल। And few creators on YouTube, they are going out of their way to say only blatantly hateful things to BTS and other K-pop groups. मतलब तुमसे तुम्हारी राय किसी ने मांगी? And if you have an opinion, keep it to yourself, my guy. And you can post it on internet, but don't force others to actually listen to your opinions. All right? Opinion सबकी अपने पास होती हैं. And I don't hate anyone's opinion. ठीक है, तुम्हारी opinion है, वो तुम रखो. और मेरी जो ओपिनियन है वो मैं इंटरनेट पे रख रहा हूँ। ठीक है, नो हेट टू एनीवन, बट दिस वीडियो विल गेट हेट, जो कि मुझे भी पता है। सो हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं होंदा कि उन्हें कदे कोई तकलीफ नहीं होंदी, ओदा मतलब ये होंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना होंदा। एंड आल्सो द पॉइंट दैट आई वाज सेइंग अबाउट बीएड एंड एवरीथिंग, मैं बीएड नहीं पढ़ानी, नहीं पढ़ाऊं, मैं काजल लगाना है तुम काजल लगाओ, माय गॉड तुम्हें मेकअप लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। एंड पीपल जो कहते हैं चीजें वो कहेंगे हमेशा ब्रो, वो तो BTS को भी कह रहे हैं जिनने साउथ कोरिया की इकोनॉमी संभाल रखी है, तुम खुद को संभाल लो माय गाय, बहुत बड़ी बात होगी। Yeah, this is it for this video, I guess. Hope you enjoy this video. कुछ भरा पड़ा था अंदर कहना था, and if you enjoy this video, subscribe to the channel. I'll get 2000 subs. This is it for this one. See you next. Peace. Bam boom. और क्या है ये? Nams boom, bam boom, bam, that too. बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्श कल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। नाजुकूम है जैसे आ रही बिल का मेरी बॉडी के ऊपर, सन की जीरू ये सारा रग में मंगा हूँ लाया ऊपर, आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर, तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट, मैं लिखता तेरी बंदी की रूपर।